नोट करना है, बोलना नहीं इधर। नेक्स्ट नोट करनी है इंटरनल एनर्जी। डिनोट करते हैं ई से और यू से, डिनोट करते हैं ई से और यू से। इसे नोट करेंगे इसको ई से या यू से। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी एंड विल आल्सो डिपेंड अपॉन मास। इसे बोलते हैं एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लिख दे रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसको स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। इसको स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसको स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, ये पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये दिस इज एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। जैसे इंटरनल एनर्जी होती है, ये इंटरनल एनर्जी, इट इज एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। टोटल एनर्जी के सिस्टम की क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, उसके अंदर एनर्जी जो पहले से स्टोर्ड है। अदरवाइज टोटल एनर्जी की बात जब भी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी की बात जब भी करते हैं क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम कभी भी इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, वो तो सिस्टम के अंदर पहले से स्टोर्ड है ना, हम तो बाहर की एनर्जी की बात करेंगे, समझे कि नहीं। तो इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, समझे नहीं। इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है ना टोटल एनर्जी। अब ध्यान देना, अब मैं बात, मेरे को बात करनी है सिर्फ इंटरनल एनर्जी। मैं क्या बोलूंगा, अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, या एब्सेंस ऑफ कोई भी फोर्स अगर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी ऑलमोस्ट जीरो, दोनों जीरो होंगे कि नहीं। तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आएगी, ये लाइन चार्ज की। तो टोटल एनर्जी आएगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्या ये याद रहेगा, टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आएगी, इंटरनल एनर्जी। क्या ये बात समझाएंगे नहीं। अदरवाइज टोटल एनर्जी हमेशा किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में, किसी भी चीज को मेरे को डिफाइन करना है तो मैं किस टर्म में डिफाइन करूंगा, किस टर्म में डिफाइन करेंगे, ओनली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओनली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये हमेशा के लिए याद रहे कि टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी मेरे को क्या पढ़ाना है, इंटरनल एनर्जी, इसलिए मैंने ले लिया इंटरनल। अदरवाइज इंटरनल एनर्जी का तो कोई रोल है ही नहीं, सिस्टम जब काम करेगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ही काम करेगा, समझे कि नहीं। इंटरनल एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, हम उसे कॉन्स्टेंट मानते हैं। लेकिन अभी मेरे को इंटरनल एनर्जी की बात करनी है तो मैं इंटरनल एनर्जी की ही बात करूँगा, समझे कि नहीं। कुछ भी समझना, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी बात कर रहा हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और भी फॉर्म होती है, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, बात किसी कर रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने अगर तुमसे बोला वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर गैशियस फॉर्म में है 100 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर मान लो दोनों का सेम। मैंने बोला किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गैस की बोलोगे, आंसर भी गैस की होता है, लेकिन आंसर ये नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों की कॉन्स्टेंट बराबर, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे ना तो बराबर है। अदरवाइज गैसेज दे आर मोर एनर्जेटिक इन कंपेरिजन टू लिक्विड, गैसेज ज्यादा एनर्जेटिक है ना, लिक्विड की बात करिए। मैं बात यहाँ पे किसी कर रहा हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज टेंपरेचर डिपेंडेंट। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा टेंपरेचर डिपेंडेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, याद रहेगा ये। इसलिए दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, बराबर। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की बराबर। इसके एग्जांपल्स हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम प्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, या एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे जो मटके में पानी रखते हैं, ठंडा ठंडा हो जाता है ना, तो कैसे ठंडा हो जाता
ऑपरेशन से, वो तो फिर मतलब को तुम फाउल मार दो, उसमें भी तो वाइब्रेशन होगा। दिया तूने बोल रहे वाइब्रेशन से दोनों क्या? कुछ पार्ट सही है, देखो ध्यान देना, ध्यान देना इसमें। तुम्हें पता कि जो ये बटका होता है इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स से क्या निकलेगा? वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे कि नहीं? पोर्स से क्या निकलेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो वो मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं कि पास आ रहे हैं? दूर जा रहे हैं ना, और जब दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? दूर जाने से कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट। मान लो टोटल एनर्जी 10 थी, ठीक है ना, टोटल एनर्जी थी, ये डालो उसको, टोटल एनर्जी 10 थी। अब बटके में पानी को रखा, उसमें पोर्स है, पोर्स से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इसीलिए रखा है ना। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और मॉलिक्यूल्स कभी भी दूर दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल दूर जब जाएंगे। तो क्या होगा ना भाई, लोग सुन नहीं रहे क्या? मैंने ध्यान सुनना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने बोला मट्टी के अंदर पानी कैसे ठंडा होता है? जब हमने क्या कहते हैं, मट्टी में पानी को रखा तो क्या होगा? उसके अंदर पोर्स है, जो सैंड होगी या मड है जो भी, उसके अंदर पोर्स है, पोर्स से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकले। जब बाहर निकलेंगे तो मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, दूर जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। काइनेटिक कम हो जाएगी तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा फिर? कम। कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो गया तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये जितने एग्जाम्पल तुम लोगे ना, जितने भी एग्जाम्पल लोगे, चाहे रेफ्रिजरेटर का, चाहे एसी का, सब में यही होता है। ये सारी एग्जाम्पल दूंगा मैं आगे, दो ही एनर्जी, एक एनर्जी कम हो रही है तो एक एनर्जी बढ़ेगी। सारी एनर्जीज जो है या तो वो काइनेटिक एनर्जी होंगी या पोटेंशियल एनर्जी, इन्हीं को डिवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इन्हीं को डिवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक बार अतुल तो बता दे, मैंने जो तो एग्जांपल दिया क्या एग्जांपल था? पॉट में वाटर है तो ठंडा कैसे हुआ अपने आप? पानी के मॉलिक्यूल था ना, वेपर्स पर। एनर्जी कम हो गई यानी टेम्परेचर कम हो गया, कारण टेम्परेचर का मतलब कूलिंग हो जाएगी, समझ आ गया कि नहीं है? ये मैं आगे भी दूंगा 6-7 एग्जाम्पल इसी टाइप की, लेकिन अभी ये एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लेना इसका, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लेना। जैसे कोई रिएक्शन होती है, अगर अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हम क्या मानते हैं? वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, जैसे कम्बशन ऑफ फ्यूल हो रहा है, कोई कार्बन का कम्बशन हो रहा है, मीथेन का कम्बशन हो रहा है, तेल का शक्ति का भी कम्बशन हो रहा है, तो एक टेम्परेचर पे हो ना, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है क्या ठीक कॉन्स्टेंट रही? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। इसलिए कभी भी मैं वेरिएशन लिखूंगा ना, तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। तुम्हें ध्यान भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाए थे मैंने, याद है कि नहीं है? एक्सोथर्मिक का ग्राफ यही तो था, ऐसे याद आया कुछ नहीं? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही वेरी करती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर होती है दैट इज ऑलवेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट, तो वेरी क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो कर्व जब भी बनते हैं तो हमेशा उसमें क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। उसमें क्या आएगा हमेशा? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद रखना, ये आगे जाके मैं और एग्जांपल दूंगा। अभी मैं हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी, क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। तुम्हें ये समझ आ गया कि टोटल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, क्या ये समझ आ गया है? क्योंकि हमने क्या माना है, एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी अदर फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं है बाहर, तो कोई भी फोर्स नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, वो जीरो हो जाएगी। वो जीरो हो गई तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई? इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ गई, और इंटरनल एनर्जी ये सम होता है 5 एनर्जी का, और उसमें भी दो कौन सी होंगी मेन? काइनेटिक पोटेंशियल, न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियस की एनर्जी। नेक्पी वर्ड से याद कर लेना,
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या ना इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, केमिकल एनर्जी यानी बॉन्ड्स की एनर्जी, है ना, बॉन्ड्स की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट, अच्छा मैंने ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो कर दी थी, ये कौन सी फिर एनर्जी मैंने ऊपर क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी ना, मैंने साथ में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी थी, दोनों जीरो कर दी थी ना, तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन सी पोटेंशियल, ये कौन सी आ गई, ये सिस्टम के अंदर वाली काइनेटिक एनर्जी है, किसकी, मॉलिक्यूल की, एटम की, या आयंस की, ये उनकी बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे, इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं मॉलिक्यूल के बीच में, ये उनकी, ये एटम भी है या आयन है, तो ये उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की है, इंटरनल एनर्जी जो है ना मेनली इन दोनों एनर्जीज पे डिपेंड करती है, ये माइनर क्वांटिटी में होती है तीनों एनर्जी, सही है, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी, जैसे बोलते हैं कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है ना काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, बाय बाय इन केस ऑफ आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली, क्या नहीं, थोड़ा सोच के देख, क्वेश्चन को समझ पहले, क्वेश्चन को समझ पहले फिर आंसर दे, ये इसका आंसर है, इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर आइडियल गैसेस, तो आइडियल गैसेस के केस में क्या मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन मानते हैं, जब अट्रैक्शन ही नहीं मान रहे, अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं मान रहे इसके अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, नहीं समझ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड करती है अट्रैक्शन कितनी है, रिपल्शन कितनी है, अभी तुमने बोला ना मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बोला था कि नहीं है, तो दूर जाना पास आना पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है, तो जब आइडियल गैसेस हैं तो नो अट्रैक्शन, देखो है ना आठ पॉस्टुलेट्स, उसमें क्या था, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, है ना, गैसेस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी फिर, काइनेटिक के लिए, बाकी तो एग्रीबल है, तो किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के, क्लियर हो गया कि नहीं है, तो फॉर आइडियल गैसेज इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी, फॉर आइडियल गैसेज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी, क्लियर है कि नहीं है, तो ये तो मेरे ध्यान में इसके अंदर, अच्छा अब मैंने तुम्हें बोला इंटरनल एनर्जी इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, लाइक पी न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, कौन कौन से, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन मतलब अलोंग द थ्री एक्सिस, एक एक्सिस, दो एक्सिस और एक तुम्हारी तरफ आती है, तीन एक्सिस, समझ गए कि नहीं, ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग द थ्री एक्सिस, ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग द थ्री एक्सिस, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग द थ्री एक्सिस, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको बताने की जरूरत नहीं, पेंडुलम देखा हुआ ना, टू एंड फ्रो मोशन स्पिन करता जो, वो क्या है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल कोई भी मॉलिक्यूल, वो टू मॉलिक्यूल लिया, ये इस लाइन के अराउंड रोटेट करेगा या ऊपर आते हुए लाइन के अराउंड रोटेट करेगा, ये कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पढ़ी ना एक्सिस सिमेट्री बहुत सारी कोई चीज है, तो ये क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर हो गया कि नहीं है, तो ये तीन तरीके की एनर्जी है जो डिफाइन करती है इसको काइनेटिक एनर्जी को, सही ना, काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, अब अगला क्वेश्चन जो स्कूल लेवल पे पूछते हैं, बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी डिफाइंड, कांट बी फाउंड, एब्सोल्यूट वैल्यू, हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये एक एनर्जी, एक ही एनर्जी है कि बहुत सारी एनर्जीज है, तो ये बहुत सारी एनर्जीज का सम है, इसीलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जी, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी फाउंड, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी फाउंड, क्लियर हो गया कि नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी फाउंड, ना हम हमेशा इंटरनल एनर्जी की चेंज को निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी की चेंज को, मान लो
सिस्टम ने 10 जूल का काम किया, 10 जूल का काम किया, तो उसकी एनर्जी कितने, और उसको एनर्जी हमने दी नहीं बिल्कुल, तो उसकी एनर्जी कितने से चेंज हो जाएगी, 10 से कम हो जाएगी? नहीं, सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर थी पहले 100, सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर थी 100, 100 में से 10 कम हो गई तो 90 रह गई। मान लो किसी सिस्टम को मैंने दी एनर्जी, दी 100, 100 दी उसको एनर्जी, और उसने 100 में से 20 का काम कर दिया, 20 का काम कर दिया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी? 100 में से 20 ही तो यूज की उसने, तो 80 से बढ़ जाएगी कि नहीं? नहीं समझा रहा, तो 80 से बढ़ गई ना, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया उसके, नहीं पहले उसकी इंटरनल एनर्जी एक्स थी तो क्यों गया एक्स प्लस 8 थी। तो हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज को, बट नॉट इंटरनल एनर्जी। क्यों निकाल सकते इंटरनल एनर्जी? सम ऑफ वेरियस एनर्जी, सम ऑफ वेरियस एनर्जी। अब जिस टर्म के अंदर इंटरनल एनर्जी आ गया तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एच होता है एंथैल्पी कंटेंट, याद कर लेना फॉर्मूला, एच होता है ई प्लस पीवी, एच एच क्या है एंथैल्पी कंटेंट, एंड इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। एंथैल्पी कंटेंट क्या होता है, एंथैल्पी कंटेंट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो अब जब एंथैल्पी कंटेंट में भी इंटरनल एनर्जी आ गया है ना, तो क्या एंथैल्पी कंटेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाएंगे? इसकी निकाल पा रहे क्या? नहीं निकाल पा रहे, तो इसकी निकाल पाएंगे क्या? नहीं, समझ आया? इसलिए एंथैल्पी कंटेंट की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑप्शन दे देंगे ई, एच, जी और डी ऑप्शन, ऑल ऑल आ जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि अगला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, जी गिब्सन एनर्जी कैसे दिया जाता है, एच माइनस टी एस, जी जूल क्या होता है एच माइनस टी एस, तो जी में एच आ गया, क्या एच की हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पा रहे थे? नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा था, इंटरनल एनर्जी। समझ आया कि नहीं? तो इसे जी जूल एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। किसकी नहीं निकाल पाएंगे? ई की, एच की और जी की, याद रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ई एच एंड जी कांट बी नोन। जैसा बोलो क्यों, ई एच और जी की एब्सोल्यूट क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं, ई की क्यों निकाल सकते रहता हूँ? नहीं पता रहता हूँ, अब चले तो बोल, ई की एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत सारी एनर्जीज का सम, भूल गए, समझ आ गया कि नहीं? एच की क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एच के अंदर ई आ रहा है, तो ई की निकाल सकते, एच की निकाल सकते, जी की क्यों नहीं निकाल सकते? एच आ रहा है, समझ आया कि नहीं? तीनों फॉर्म में आपको लेना अभी है, चेंज में यही चीज चलेगी, कोई भी एक चीज कॉन्स्टेंट रख देते हैं, चेंज में यही चीज चलेगी, कोई भी एक चीज कॉन्स्टेंट रख देते हैं। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? इंटरनल एनर्जी चेंज ये होता है एक सिद्धांत का, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, और अगर कोई प्रोसेस है तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, दो पॉइंट मैंने पहले बोल दिया, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो होगी क्योंकि एनर्जी, और ये स्टेट फंक्शन, और ये स्टेट फंक्शन है। इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे डिराइव होगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये डिराइव होगा। तो ये आता है कि क्यू और डब्ल्यू ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन, इनका सम स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि इनका सम किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी के, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन। ये भी आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डिराइव भी होगा, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा इज टू क्यू प्लस, ये भी डिराइव भी होगा, फॉर्मूला याद करते हो आपके लिए। क्यू क्या है, हीट कंटेंट, जो हमने हीट ट्रांसफर की है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है, एनर्जी भी यही है ना, एनर्जी भी यही है और कुछ नहीं है, यही चीज है। नेक्स्ट रो करना आगे, डेफिनेशन वगैरह बता दिया, कौन कौन सी एनर्जी सब बता दिया, क्वेश्चन कौन सा आना है वो बता दिया, एक्चुअल वैल्यू एनर्जी क्यों नहीं निकाल सकते, बाकी आइडियल गैसेस के केस में इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही क्यों होती है, वो सब क्वेश्चन करवा दिए ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, यही चीज है। नेक्स्ट नोट करना, बाकी नेक्स्ट इतना इसके अंदर
स्टेट ऑफ द सिस्टम। हाँ ये डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं बोल रहा हूँ किसी सिस्टम का क्या स्टेट है, क्या स्टेट है, यानी हम ज्यादातर उसको किस टर्म में डिफाइन करेंगे, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, यानी उस सिस्टम में क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या वॉल्यूम है, ज्यादातर इसी टर्म से डिफाइन करेंगे कि नहीं। तो यही स्टेट ऑफ द सिस्टम है, स्टेट यानी कंडीशन क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ द सिस्टम, क्लियर, स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ द सिस्टम, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन प्रॉपर्टीज प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेम्परेचर के सिस्टम को, टेम्परेचर जो है सिस्टम का उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं उसको, और इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल जो वेरी करेंगे, ये क्या है स्टेट वेरिएबल्स, क्लियर, स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन द टर्म्स इन विच स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड, द टर्म्स इन विच स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड, ये टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे हैं सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, जिनके बेसिस पे हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, इसी क्या बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट टर्म नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन इसकी डेफिनेशन, जैसे अभी तक जितनी डेफिनेशन आई है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी जो पेपर में जरूर आएगी 1 मार्क, ये डेफिनेशन जरूर आती है, डिफाइन स्टेट फंक्शन विद एग्जांपल, सही ना, इसको जरूर कर लेना ढंग से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टेट फंक्शन तब बोलेंगे जब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, पाथ अटेंड पे डिपेंड ना करे। फिजिकल क्वांटिटी सेट टू बी स्टेट फंक्शन, फिजिकल क्वांटिटी इज सेट टू बी स्टेट फंक्शन, फिजिकल क्वांटिटी इज सेट टू बी स्टेट फंक्शन इफ इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द, इफ इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द, इफ इट डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये तो मुड़ जाओ वहां से, देख लीजिए इफ इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट नॉट अपॉन द पाथ स्टेट अटेंड, अगर वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, वो अगर वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, पाथ फंक्शन, अभी स्टेट फंक्शन स्टेट पर डिपेंड करेगा, कौन सी स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन, अदरवाइज नहीं, अगर पाथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसमें हमें 10th फ्लोर पे जाना है, अगर 10th फ्लोर पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं, लिफ्ट से जा सकते हैं या स्टेयर से जा सकते हैं, दो तरीके हैं ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो बिल्डिंग की है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, पाथ पर डिपेंड तो नहीं करेगी ना वो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टेट में, क्या समझ आएगा कुछ, क्या बोला है? हमें किसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पे 10th फ्लोर पे जाना है, चाहे हम लिफ्ट से जाए चाहे हम स्टेयर से जाए, पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्डिंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी बिल्डिंग की क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, बर्डन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बर्डन क्या रहेगा, डिफरेंट, तो बर्डन क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टेट फंक्शन, समझ आ गया कि नहीं है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन, क्या सिंपल लिखा होगा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन और एग्जांपल, स्टेट फंक्शन डेफिनेशन और एग्जांपल, कोई डाउट तो नहीं है, तो स्टेट फंक्शन ये है। अब इसके बाद अब कोई क्वांटिटी है पाई, पाई दो चीजों का फंक्शन, दो चीज है इसके अंदर वेरिएबल, से इट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फाई कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, फाई कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज सपोज टू बी फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई इसके अंदर वेरिएबल, एक्स और वाई क्या इसके अंदर वेरिएबल, तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया डी फाई ए से बी, वैल्यू क्या आएगी इसकी,
बी माइनस फाइव यू, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर ए और बी पे डिपेंड कर रहा है ना तो ये स्टेट फंक्शन है फाइव। इनिशियल स्टेट ए फाइनल स्टेट बी पे डिपेंड कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल थोड़ा सा आता है ना, लिमिट अप्लाई कर लेते हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइव बी माइनस फाइव ए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। और अगर इसको, अगर ये साइक्लिक प्रोसेस में लेंगे तो वैल्यू क्या है, साइक्लिक प्रोसेस सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे, तो क्या है साइक्लिक प्रोसेस। तो अब ए से बी ले गए, ए से बी या फिर साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी घूम करके पोजीशन सेम आएगी। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी सेम, तो अगर इधर डी फाइव निकाला तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अगर सेम है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो क्या होगा, वो चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर यही वर्क डन होता तो क्या वे जीरो बोलते हैं, वर्क डन है, वर्क डन तो होता है ना उस केस में, तो समझ आ गया नहीं, वर्क डन क्या है, पास फंक्शन। यहाँ पे फाइव कोई भी मैंने न्यू क्वांटिटी मानी है जो कि स्टेट फंक्शन थी, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है साइकिल प्रोसेस, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है साइकिल प्रोसेस में तो क्या होगा, तो उसका मतलब वो स्टेट फंक्शन। और तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन बता दी मैंने, पहली कंडीशन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, पहली कंडीशन इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी कंडीशन साइकिल प्रोसेस में वैल्यू क्या है, जीरो। और थर्ड कंडीशन, इट शुड फॉलो, थर्ड स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कुछ भी बताया लास्ट में, शुड फॉलो यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये भी डिफाइन करने का तरीका है स्टेट फंक्शन। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो वेरिएबल है उसके लिए वैलिड है ये यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में क्या है दो वेरिएबल तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को प्रूव करना है कि प्रेशर जो है स्टेट फंक्शन, ये होता है रिलेशन पता है पी वी और आर टी, इसमें दो वेरिएबल्स कौन से अभी दिख रहे हैं तुम्हें, टी और बी दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, तो मैं इसको ना डिफरेंशिएट करूंगा एक बार विद रिस्पेक्ट टू वी कीपिंग टी कांस्टेंट, और एक बार उसी पर जो आंसर आएगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग वी कांस्टेंट, और एक बार इसका उल्टा करेंगे, एक बार पहले मैंने डिफरेंशिएट किया इसको सपोज टीपी बाय डीवी और कीपिंग टी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाय डी टी डीपी बाय डीवी को कीपिंग वी कांस्टेंट, ये किया। और ऐसे ही एक बार यहां क्या करेंगे डीपी बाय डी टी कीपिंग वी कांस्टेंट, ये किया वैल्यू आई गई, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया डी बाय डी वी डीपी बाय डी टी कीपिंग टी कॉन्स्टेंट, अगर यहाँ पे आंसर और यहाँ पे आंसर सेम आ जाते हैं इसका मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन, इसका मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ये भी एक तरीका डिफाइन करने का स्टेट फंक्शन। तो पहले इसमें डालो, पहले क्या आएगा डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी क्या आएगा वन बाई वी, यानी वी की ओर माइनस वन, तो कर लेते हो ना माइनस एन आर टी बाई वी स्क्वायर, माइनस एन आर टी बाई वी स्क्वायर, समझ आ गया कि नहीं। अब विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो कीपिंग वी कॉन्स्टेंट तो क्या आएगा, माइनस है टी का डिफरेंशिएशन तो वन हो जाएगा, माइनस एन आर बाई बी स्क्वायर, क्या समझ आ गया आंसर, ये समझ आ गया आंसर नहीं। तो ऐसे ही डीपी बाई डी टी निकाला, अब वी कॉन्स्टेंट रखो क्या आएगा, एन आर बाई वी आएगा कि नहीं है? और अब इसमें डी बाई डी वी निकालो कीपिंग टी कॉन्स्टेंट तो क्या आ जाएगा, माइनस एन आर बाई बी स्क्वायर, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन, समझ आया कि नहीं। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, दोनों स्टेट फंक्शन आ रहे हैं, नोट कर लेंगे।
यहाँ तक कितने से करोगे सर? तो पहले लास्ट मेरी सारी मेरी सारी और मेरे पीछे से करवा दे तेरी जा रहा तेरी कम है तो उसको मरेगा तो कहीं कैसे दिमाग लगाना यहाँ लगे मेरे दिल पे यहाँ पे लगे पहले सेंटर यहाँ तो समझ आ गया होगा। पाई कितना दूर लिखते हैं इसको, ऐसे जैसे मैंने प्रेशर को स्पीड फंक्शन प्रूव किया है ऐसे ही हम टेम्परेचर को और वॉल्यूम को भी स्पीड फंक्शन प्रूव करते हैं। वी कैन प्रूव टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम, दे बोथ आर स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर भी वॉल्यूम भी, तो दोनों भी क्या स्टेट फंक्शन। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था क्यू और डब्ल्यू दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है लेकिन उनका सम स्टेट फंक्शन होता है, क्यों? उनका सम किसके इक्वल था? इंटरनेट चेंज केबल और वो स्टेट, उनका सम किसके इक्वल था? इंटरनेट चेंज केबल और वो क्या है? स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट रूल करना, भी नेक्स्ट अब नेक्स्ट भाई इधर इंटरनेट ही हो गया। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पूछता है, ये बड़ा टॉपिक है रिवर्सिबल, अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लोग समझने वाला टॉपिक है ना, सबसे इंपोर्टेंट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। चाहे आगे हम पढ़े रिवर्सिबल एडियाबेटिक, चाहे रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ऐसे टर्म्स आने हैं बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आने हैं, तो उसको स्टडी करना है, लेकिन उसको स्टडी करना है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ जल्दी से, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन उसकी बात करेंगे। अच्छा इरिवर्सिबल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तुम इससे ये पता लगा सकते हो, इरिवर्सिबल यानी जो अपनी कंडीशन जो अपने इनिशियल स्टेट पे आसानी से रिवर्स ना कर, उसे क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल यानी जो इनिशियल स्टेट पे आसानी से आ जाए या लगभग उसकी जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट ही, यानी चेंज जो आएगा बहुत कम आएगा, यानी चेंज जो आएगा वो बहुत कम आएगा। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन नोट करेंगे पहले हम, फिर देखते हैं। देखो वर्क ऑफ एक्सपेंशन कोई गैस है किसी वेसल में, इस पॉइंट उसमें डीएल लेंथ से चेंज कर दिया, वॉल्यूम डीवी चेंज हुआ, लेंथ डीएल चेंज ना, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन कितना होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन कितना होगा? इतना इन द मूवमेंट ऑफ द गैस और इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैस थ्रू लेंथ डीएल क्या होगा? बर्डन पता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो क्या आएगा? एफ इनटू डीएल, ये होगा बर्डन, क्या आ जाएगा इससे? इसको क्या इससे फोर्स को प्रेशर इनटू डीएल, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएल, है ना? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएल, तो ए इनटू डीएल क्या बन जाएगा? डीवी।
और गैस जो एक्सपेंड कर रही है, गैस जो एक्सपेंड कर रही है वो एक्सटर्नल प्रेशर को, ओपन वेसल था ना कहते, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही है कि नहीं, किसके अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। तो यहाँ जो पी है वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये आता है ना, ये कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। गैस जो एक्सपेंड कर रही है, जैसे यहाँ नीचे कोई गैस है ऊपर जा रही है, तो एटमोस्फेरिक गैस जो है उसके अगेंस्ट जा रही है कि नहीं, तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही है, तो पी एक्सटर्नल इंटू डीवी आएगा, ठीक है ना, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, क्या याद रहेगा ये, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। और ध्यान रखना अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, यानी गैस अगर एक्सपेंड कर रही है तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है जो हम चाहेंगे हमेशा के मैक्सिमम, गैस काम कर रही है ना, हम क्या चाहेंगे मैक्सिमम मिनिमम हो, मैक्सिमम, और गैस को हम अगर ऊपर से प्रेस कर रहे हैं पिस्टन से तो वो हम क्या चाहेंगे मिनिमम मैक्सिमम, अगर हम काम कर रहे हैं हम क्या चाहेंगे मिनिमम, गैस काम कर रही है तो हम क्या चाहेंगे मैक्सिमम, ये याद रखना लाइन, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम शुड बी मैक्सिमम, वर्क डन बाय द सिस्टम शुड बी मैक्सिमम, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होना चाहिए मिनिमम, वर्क ऑफ एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, वर्क डन बाय द सिस्टम है, और वर्क ऑफ कंप्रेशन वर्क ऑफ कंप्रेशन ये क्या होगा, प्लस पी एक्सटर्नल डीवी, कंप्रेशन यानी हम काम कर रहे हैं सिस्टम काम, हम इसमें क्या माना हुआ है, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो क्या मतलब है, कम हो रही है तो नेगेटिव, फिजिक्स में उल्टा है पता नहीं, फिजिक्स में उल्टा करना है ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है कंप्रेस कर रहे हैं गैस को तो पॉजिटिव, प्लस पी एक्सटर्नल डीवी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव बाय द सिस्टम नेगेटिव, क्या याद रहेगा ये, नेक्स्ट बस इस फॉर्मूले को याद रखना, ये नहीं बोला इसको आगे मैं अप्लाई करूंगा, इसको आगे अप्लाई करूंगा, या फिर एक चीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अगर तुम्हें निकालना है अभी ये प्रेशर कॉन्स्टेंट था इसके अंदर, वर्डन निकालना है इसमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये पॉइंट्स दे रखे तुम्हें, ये सपोज 4 है, ये 10 है एटमॉस्फेयर में, और ये 2 है लीटर में, वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर और ये 10 है, और ये 10 है, ऐसे जा रहे हैं ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए ऐसे जा रहे हैं, तो तुम्हें निकालना है वर्क डन इन दिस रेक्टेंगुलर एरिया, कितना होगा वर्क डन इन दिस रेक्टेंगुलर एरिया क्या होगा, और इसी एरिया के अंदर डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा ई क्या होगा, ना तुझे।